सुना आपने, ये मैडम बच्चे को गोद में लेकर कैसे उसका माइंड डाइवर्ट करने की कोशिश कर रही हैं। गोद में लेकर इस बच्चे से सवाल पूछ रही ये मोहतरमा है महिला बाल कल्याण समिति की सदस्य शोभा कासट। ये बच्चे से पूछ रही हैं कि उसकी टीचर ने उसे पानी के टैंक में डुबोया था या नहीं। बच्चे ने जब कोई जवाब नहीं दिया तो मैडम ने उसे चॉकलेट का एक पैकेट दिया और कहा कि अगर मैडम ने उसे टैंक में डुबोया है तो वो भी डुबोएंगी, और अगर मैडम ने उसे टैंक में नहीं डुबोया है तो उसे टैंक में नहीं डुबाएंगी। अब आप खुद ही सोचिए कि अगर बच्चे से इस तरह से डरा धमका कर सवाल किया जाएगा तो बच्चा क्या जवाब देगा। सवाल पूछने वाले की हाँ में हाँ ही मिलाएगा, लेकिन ये बच्चा चॉकलेट लेने के बाद ही सच बोलता रहा, वो भी बिना डरे। आप खुद ही सुनिए, बच्चा खुद बता रहा है कि स्कूल टीचर ने उसे पीटने के बाद पानी के टैंक में डाला था। महिला बाल कल्याण समिति की सदस्य शोभा कासट का इतनी पूछताछ के बाद भी दिल नहीं भरा तो उस बच्चे को वो अपने ऑफिस में ले गईं और वहां भी बड़े प्यार से सच्चाई पर पर्दा डालने की कोशिश करती नजर आईं। ये बच्चा बूंदी जिले के सेंट्रल अकादमी स्कूल में पढ़ता है। आरोप है कि एक महिला टीचर ने बच्चे को सिर्फ इसलिए बेरहमी से पीटा क्योंकि ये अपनी कॉपी पर कवर चढ़ाना भूल गया था। बच्चे को पीटने के बाद टीचर ने इसे स्कूल में बनी पानी की टंकी में भी डुबो दिया। परिजनों की शिकायत के बाद जब मामला पुलिस तक पहुंचा तो जांच के नाम पर अब बच्चे को महिला बाल कल्याण समिति की सदस्य शोभा कासट डरा धमका कर सवाल पूछ रही हैं। इनके रवैये से तो ऐसा ही लग रहा है मानो ये आरोपी टीचर की वकील बनकर बच्चे से पूछताछ करने आई हैं। राजस्थान तक के लिए बूंदी से भवानी सिंह की रिपोर्ट।